नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। आपने कई करोड़पति बाबाओं को देखा होगा जो बाबा बनकर लाखों करोड़ों कमाते हैं। ऐसे ही एक और कथित बाबा के साम्राज्य का पता चल गया है। जी हां, आयकर विभाग ने जब उसके आश्रम और ऑफिस पे छापा मारा तो उसकी संपत्ति ने उनकी आंखें चुंधिया दी। जी हां, कर्नाटक के बैंगलोर में एक कथित आध्यात्मिक गुरु के आश्रम पर मारे गए छापे से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इस कथित गुरु का नाम कल्की भगवान है। इस बाबा ने अपने साम्राज्य की शुरुआत एक लाइफ इंश्योरेंस क्लर्क के तौर पर की थी। ये खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी मानता है। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने बैंगलोर के आश्रम पर जब छापा मारा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहां से आईटी विभाग को 93 करोड़ रुपए सिर्फ कैश मिला। इसके अलावा इस बाबा के दूसरे आश्रमों पर मारे गए छापे में 409 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है। आयकर विभाग के अनुसार आयकर विभाग ने कल्कि और उसके बेटे कृष्णा के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 40 ठिकानों पर छापा मारा है। आपको बता दें, आईटी के रेड एक साथ चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर और वार्दिया पालम चित्तौर के पास आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर डाली गई। कल्कि ने अपने समूह की स्थापना एकता के सिद्धांत पर 1980 में की थी। इसके बाद इसने अपने समूह का चारों ओर विस्तार किया। इसमें रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन और खेल के क्षेत्र में इसने अपनी जड़ें जमाई। इसके समूह का विस्तार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी था। ट्रस्टों का समूह दर्शन और आध्यात्मिकता में कल्याणकारी कार्यक्रम और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता था। अपने कोर्स के माध्यम से समूह ने विदेश में रहने वालों को खूब लुभाया। इस कारण इसके पास विदेशी मुद्रा भी जम कर आई। आयकर विभाग के अनुसार ये समूह दी जाने वाली रसीदों में हेरा फेरी करता था और पैसों को रियल इस्टेट में लगाता। इसी कारण इसने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जमकर जमीन खरीदी। सर्च ऑपरेशन में साफ पता चला है कि आश्रम ने लोगों से मिलने वाले डोनेशन को अपने तरीके से दबाया। आश्रम समूह का स्टाफ अकाउंट बुक के अलावा भी कैश रखता था। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी को ऊंचे दाम पर बेचकर काली कमाई कर रहे थे। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं। आयकर विभाग के छापे में 25 लाख अमेरिकी डॉलर, करीब 18 करोड़ रुपए मिले। 88 किलो सोना और ज्वेलरी भी बरामद किए गए। इनकी कीमत 26 करोड़ के आसपास बैठती है। 5 करोड़ रुपए के डायमंड इन छापों के दौरान बरामद किए गए। इसके अलावा जांच में इस पूरे ग्रुप की 500 करोड़ की अघोषित कमाई का आकलन किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्लर्क के तौर पर काम करने वाले विजय कुमार ने 1980 के आसपास एक इंस्टीट्यूशन खोला, नाम दिया जीवाश्रम स्कूल। इसके अलावा उसने चित्तौर में एक यूनिवर्सिटी भी खोली। 1990 तक आते आते उसने खुद भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि घोषित कर दिया, जिसके बाद उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। कई बड़ी हस्तियां और फिल्मी सितारे उसके फॉलोअर्स बन गए। आपको बता दें, कल्कि ने ट्रस्ट में अपनी पत्नी पद्मावती और बेटे एनकेवी कृष्णा को साझेदार बनाया। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।